ठीक है, देखो क्या बोला है इसमें, ये थ्री पैरेलल वायर्स हैं और ये तीनों पैरेलल वायर्स 10 एम्पियर करंट को कैरी कर रहा है, क्लियर है ना। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर, हर एक वायर पे कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फोर्स का ये फॉर्मूला बिटवीन टू वायर्स म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डी वी, है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है, आई वन और आई टू दोनों आपका कंडक्टर कितना करंट को कैरी कर रहा है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। और अगर दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में अगर करंट को कैरी कर रहा है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अदरवाइज अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो क्या होगा, रिपल्सिव। अब देखो यहाँ पे दो वायर नहीं, तीन वायर और तीनों सेम डायरेक्शन में। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे फर्स्ट वायर पे, नाम दे दो, ये तुम्हारा फर्स्ट वायर, ये तुम्हारा सेकेंड वायर और ये तुम्हारा थर्ड वायर। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे दो चार्जेस के बीच का फोर्स, अगर तीन चार्ज आ जाएगा तो एक गिवन चार्ज पे कितना फोर्स होगा, अगर चार चार्ज आ गया तो एक गिवन चार्ज पे फोर्स कितना होगा, हम लोग निकाल लेते हैं उसी तरह। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा फोर्स हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो कंडक्टर है, फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है, इस पे फोर्स कितना लगेगा। अब क्लियरली तुम बोल सकते हो कि ये फर्स्ट जो कंडक्टर है इस पे फोर्स लगाएगा सेकंड वाला कंडक्टर और थर्ड वाला, अरे लगाएगा ना। तो मैं सबसे पहले एज्यूम कर लेता हूँ कि जो सेकंड कंडक्टर फर्स्ट वाले कंडक्टर पे फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है F12 यानी फोर्स ऑन कंडक्टर 1 प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर। सेकंड कंडक्टर ये क्या करेक्ट, ये क्या कैरी कर रहा है करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आपका फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा F12। और डायरेक्शन मैंने इसलिए इस तरफ रखा क्योंकि दोनों आपका करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, तो ये सेकंड वाला कंडक्टर जो फर्स्ट वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसको भूल जाओ। अब इस पे आओ, थर्ड वाला कंडक्टर देखा या नहीं, थर्ड वाला कंडक्टर फर्स्ट पे लगाएगा, अभी फर्स्ट पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा कि फर्स्ट वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट वाले कंडक्टर के बगल में है सेकंड और थर्ड, तो ये दोनों इस पे फोर्स लगाएगा। सबसे पहले हमने निकाल लिया सेकंड कंडक्टर का फोर्स कितना F12 और डायरेक्शन भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया। थर्ड वाला कंडक्टर देखो, थर्ड वाला कंडक्टर भी फर्स्ट वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, दोनों में करंट क्या है सेम डायरेक्शन में, तो थर्ड वाला कंडक्टर जब फर्स्ट वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो थर्ड वाला कंडक्टर जब फर्स्ट वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ F1P यानी फोर्स ऑन कंडक्टर 1 प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थर्ड कंडक्टर। थर्ड कंडक्टर भी करंट को कैरी कर रहा है जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको फोर्स लेगा। अब देखो दोनों फोर्स क्या है सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स ऑन कंडक्टर 1 सबसे पहला मैं निकालता हूँ, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर 1 अगर F में रिप्रेजेंट करता हूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो दोनों का सम होगा F12 प्लस F13। क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होता है या सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर क्या होता है, ऐड होता है साइड में, सिंपली ऐड कर देंगे। तो फोर्स ऑन F12 को हम लोग लिखेंगे μ1 / 4 पाई 2 * I1 * I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d, अरे है नहीं, या तुम बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर d12 बोल सकते हो, प्लस μ0 / 4 पाई 2 1 और 3 के बीच है, इसका मतलब I1 into I3 divided by distance between first and third, first और third के बीच कितना distance है 5 plus 5 कितना हो गया 10, अरे है नहीं, और D12 के बीच कितना distance है 5 centimeter, आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, U0 by 4 pi constant है, direct अगर put करोगे 10 का power minus 7, 2 into I1 I1 आपका 10 और I2 भी कितना है 10 और distance between 1 and 2 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 का पावर -7, अरे है नहीं, तो 10 का पावर -7 ये आएगा इनटू 2 इनटू I1 है आपका 10, I2 भी है आपका 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D13 10 सेंटीमीटर, 10 इनटू 10 का पावर -7 सॉल्व करो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, सिंपल है ना। तो फर्स्ट कंडक्टर पे निकाल दिया, लॉजिकली तुम क्या बोल सकते हो,
इतना ही फोर्स आपका थर्ड कंडक्टर पे भी लगेगा। थर्ड कंडक्टर पे आओगे, ध्यान दें, अगर थर्ड कंडक्टर पे आओगे तो मैं बोलूंगा कि थर्ड कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है 10 एम्पियर, और ये प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर और फर्स्ट कंडक्टर जो कि करंट कैरी कर रहा है। अब देखो थर्ड कंडक्टर पे फोर्स कौन लगाएगा, सेकंड, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो सेकंड जब थर्ड पे लगाएगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस सेम है, करंट क्या है सेम। फिर थर्ड वाले कंडक्टर पर फोर्स कौन लगाएगा, फर्स्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब थर्ड वाले कंडक्टर पे भी फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा, जो रिजल्ट यहाँ पे आया है सेम रिजल्ट तुमको आएगा। तो प्रॉब्लम है, अरे बोलो यार, थर्ड वाले कंडक्टर पे, अब सेकंड वाले कंडक्टर पे आते हैं। अब सेकंड वाले कंडक्टर पे जब तुम आओगे यहाँ पे देखो सेकंड वाले कंडक्टर पे, तो सेकंड वाले कंडक्टर पे ही आपका थर्ड वाला कंडक्टर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ F 2 3 फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थर्ड। ये थर्ड कंडक्टर सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आपका कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो फर्स्ट कंडक्टर जब सेकंड वाले कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स कितना होगा F 2 1 यानी फोर्स ऑन कंडक्टर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर 2 प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग करंट। देखो दोनों फोर्स सेम होगा क्योंकि सब में तो करंट सेम है और डिस्टेंस भी क्या है सेम, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F 2 3 और F 2 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा जीरो सेकंड वाले कंडक्टर। आया ना, बहुत सिंपल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, आसान नहीं है, इस तरह एनालाइज करना सीखो। चलो बंद।